हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी टीम प्रिडिक्शन पे, जहां मैं आपको आज बताने वाला हूं अर्जेंटीना वर्सेस आइसलैंड फीफा कप 2018 की ड्रीम 11 टीम, प्लेइंग 11, इंपोर्टेंट प्लेयर और फैनफाइट टीम के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे पहले मैं फ्रेंड आपको दिखाना चाहता हूँ, कई लोग मेरे कह रहे थे आपका फुटबॉल की टीम सही से नहीं बना रहे हो, तो वही बात है, लक की खेल है, खेलते सब थे। अब देखिए, मैंने कल के मैच में लगाना डेडलाइन हो गई थी, मैं नहीं लगा पाया था, इसका दुख मुझे रह गई। अब मैं अपने प्लेयर की स्टेट दे सकता हूँ, ड्रीम 11 ने जैसे बताया था, मेरे कैप्टन देख सकता हूँ, मेरे अब कोई टीम जीती, रोनाल्डो 28 पॉइंट, और वाइस कैप्टन मेरे से कोस्टा कितने थे 19.5, फिर मेरे पे इनमें था इसको 7, रामोस 6.5, इनिस्टा 5, अलवा 4.5, देख रहे हैं आप टॉप प्लेयर, फिर हमारे मोतिन हो, रैफेल और ब्रूनो, और उसके बाद हमने रखा था डेविड। तो ये है हमारी टीम स्मॉल लीग, तो शायद मैं मानता हूँ कोई सी मिस ना हुई होगी हमारी, सारी स्मॉल लीग विन की हमने, तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो जिन लोगों ने लगाई और अच्छा खासा विन किया, जैसे कल एक बंदे ने 10,000 रुपये विन करे, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, अनिश कुमार नाम है उनका, बहुत ही बड़ी धन्यवाद, उन्होंने 10,000 रुपये विन किए। और इस प्रकार आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो आप भी अच्छा विन कर सकते हैं। अब वीडियो पे आते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और लास्ट मैच रिकॉर्ड की। तो आइसलैंड की बात कर सकते हो, आप हार्डसन, स्कूल गन्स और सेवरसन को ये खेलेगा, इनगासन, सुबर्टसन, मानगुसन, गुडमंडसन, गुनारसन, हालफ्रेडसन, बजारनासन, सुगार्डसन, फिन बोंगासन। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो आइसलैंड ने विन तो किए लेकिन कमजोर टीम के खिलाफ, लेकिन 3 लॉस, करारी लॉस और 1 ड्रॉ खेलना पड़ा है। तो वहीं अर्जेंटीना की बात करें, ड्रॉ, विन, लॉस, विन, तो इस मैच में 100% अर्जेंटीना ही विन करने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब बात की जाए सबसे बड़े प्लेयर की, तो वो है लियानो मैसी इस मैच के। अब हेड टू हेड की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल मैच नहीं हुआ है दोनों के बीच में, बात करें तो ऊपर से है तो कैलबेल्टियो, साल्वियो, ओटेमेंडी, रुजो, टोग्लिकफिको, बिगिला और लो कैल्सो में कोई एक खेल सकता है, मेरे हिसाब से बिगिला खेलना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे डिफेंडर में है, मास कैरेनो, फिर आपको दिखेंगे मेजर पावन को एक, मेरे को लगता है पावन खेलना चाहिए, फिर लियानो मैसी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और कैप्टन के लिए एकमात्र ऑप्शन जो कैप्टन ही बना सकते हैं, फिर है मारिया, फिर एग्यूरी और हिग्यूएन। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे एग्यूरी 90% खेलने वाला और इन्हें मैंने अपनी टीम में लिया है, इसके साथ आप चाहें तो इन्हें हटा के डिफेंडर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आप ग्रैंड लीग में अच्छा विन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिन पर रिक्स होता है उन्हीं पर लेना चाहिए। कोई मान चलिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं, अगर कोहली इंजर्ड है तो क्या, और कहें मैच से पहले उनका फिटनेस टेस्ट होगा, 100% पता रहता है लोगों को कोहली 100% मैच को खेलने वाले हैं अगर बड़ी टीम के साथ और पहला मैच है आपकी वर्ल्ड कप में, तो इसलिए कोई बात नहीं होती इन दोनों टीम की। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने ड्रीम 11 टीम बनाई हुई है, मैंने फैनफाइट की भी टीम बनाई हुई है, और जो हमने कल न्यू क्रिकेटिंग डेवलप हुआ था वहां पे मैंने कल अच्छा खासा विन भी किया है, तो आप भी उसमें जाइए, मेरे वीडियोस में चेक कीजिए। और मैं अपने सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूं जो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं और रोज जीत रहे हैं। अब बात कीजिए अर्जेंटीना और आइसलैंड के मैच की बात में, तो 6 घंटे बाद शुरू होगा। अगला वीडियो ना डालने के कारण दोस्तों ये था कि फैनफाइट में मैच हो अभी तक आई नहीं है, और मुझे लगता है शायद ना भी आए तो मैं ड्रीम 11 की टीम ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा उसमें। तो अब बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गोलकीपर में, आप पे दो ऑप्शन है, हार्डरसन और मेरे पे विली को मैंने रखा है, काफ़ी अच्छे हैं डिफेंडर में हमने रखा है, ओटेमेंडी भी है ऑप्शन में लेकिन हमने लिखा है रिनाल्ड सिंगुरसन को, फिर हमने लिखा है साल्विया को, मानगुनसन को और फिर साथ ही साथ लिया है टेलियाफिको। अब मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्रेडिट मैनेज करने के लिए हमने ऐसा टीम बनाई है क्योंकि हम पे थोड़े लो डिफेंडर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने रखा है ऊपर से सिगार्डसन को, मारिया को, हाल फ्रेडसन को और चौथे प्लेयर हमारे मिजा है, और सेंटर फॉरवर्ड में हमारे दो तगड़े प्लेयर जो हैं अर्जेंटीना के लियानो मैसी और सर्गियो एग्यूरो, इनसे अलग कोई गोल नहीं करने वाले दोस्तों, बेहतरीन प्लेयर कैप्टन मैंने इन्हीं दोनों को बनाया, कैप्टन इन्हें वाइस कैप्टन, वही रोहित कोहली वाली बात है, रोहित और कोहली कैप्टन और वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट मटेरियल होते हैं, नहीं चले तो बात अलग है। लियानो मैसी और एग्यूरो को बनाए हैं आपके लिए और ऑप्शन में बता दूंगा, जहाँ पे आपके पास और ऑप्शन में आर सिगुर्सन है, जी सिगुर्सन है और आपके पास तो मेजा भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं और किसी को भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। अब बात कर लेते हैं फैनफाइट टीम की, तो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं अगला वीडियो हमारा और आने वाला है लेकिन यहाँ पे दो ही मैं दे रखे हैं,
तो अगला मैच से भी है 12 घंटे बाद, उनका भी वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और किसी मैच की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज बता दीजिए। माफ कीजिएगा दोस्तों, कॉल आ गई थी। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम की, फैनफाइट टीम के बारे में। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, मैंने टीम बनाई हुई है। एडिट करते हैं टीम, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फैनफाइट में मेरे रात से ही, तो आप बिल्कुल इसको देखते रहें। सॉरी फ्रेंड्स, फैनफाइट पूरा तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और हैंग काफी ज्यादा कर रहा है। तो मैं आपको इसकी टीम प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जिन बंदों ने हमारी कल ग्रैंडली विन करी है उसमें उन्होंने बनाया था कैप्टन को निक्रिक को, वाइस कैप्टन बेमाउंट थी। तो जो मेरा राय थी कि वही हुआ, नटाली स्काइवर को आपने मिस किया था अपनी टीम से भी, क्योंकि क्रेडिट नहीं मैनेज कर पा रहे थे, और सारे पांच के पांच बॉलर जिनमें लॉरा मार्श भी शामिल थे हमने लिया था, और ऑलराउंडर हमने जॉर्जी एल्विस भी थी हमारे पास, और हिदर नाइट भी थी टीम में। तो ग्रैंडली विन करना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप भी हमारी वीडियो देखें और इस तरीके से विन करते रहें। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फैनफाइट ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप फैनफाइट की टीम बता दीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से छह प्लेयर हैं। गोलकीपर में फिर सिगुरसन को ले सकते हैं वाइस कैप्टन में, और एक और ले सकते हैं हम, किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप किसी को कैप्टन ना बनाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में इनसे बेहतर कोई कैप्टन होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।